क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखो, कह रहा है कौन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर गिवन है, मतलब स्मॉल आर कांस्टेंट हो गया, उस स्फीयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, एक स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल आर गिवन है, उसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है, इतना आपको बोल रखा है। और प्रूफ क्या करना है, बोल रहा है हाइट ऑफ कोन, मैंने स्मॉल एच मान ली, हाइट ऑफ कोन को प्रूफ करो 4 into small r by 3, सेकेंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ कोन को आपने दिखाना है मैक्सिमम। दो पार्ट है इस बार, ठीक है। गिवन क्या है, मतलब कांस्टेंट क्या है, अरे यार स्मॉल r क्या है, कांस्टेंट है, याद रखो स्मॉल r, और स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ स्पेयर गिवन है। ठीक है, देखो कोन के स्पेयर के अंदर मैंने एक कोन बनाया, और मैंने क्या मान ली, कोन की रेडियस कैपिटल R मैंने खुद मानी है, मतलब कैपिटल R वेरिएबल हो गई। O से लेके, मतलब जो स्पेयर का सेंटर है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है स्पेयर की, और वो स्मॉल r गिवन है। तो उसी सेंटर से अब मैं अपवर्ड ऊपर की ओर भी अगर सर्कमफेरेंस पे ज्वाइन करूं लाइन, तो ये भी तो स्मॉल r होगी, मतलब ये भी तो रेडियस होगी ना स्पेयर की, तो ये भी स्मॉल r हो गई। अब फिर मैंने क्या करा, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ताकि मेरे पास पूरी की पूरी हाइट आ जाए कोन की। तो O से लेके परपेंडिकुलर B तक क्या हो गई, मैंने क्या मान ली, लेंथ x मान ली है। ठीक है, ये तो R है और ये क्या मान ली मैंने, x मान ली, और कैपिटल R तो रेडियस ऑफ कोन मान रखी है। तो मैंने क्या कर रखा है, मेरे पास दो नए वेरिएबल आए हैं, कौन कौन, एक कैपिटल R और कैपिटल X, तो ये वेरिएबल हो गए, और तीसरी जो टर्म है स्मॉल r वो तो गिवन है, मतलब वो कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल होते हैं उन्हीं के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जाता है ना। तो दो वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल के, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, जिस वेरिएबल में पूरी की पूरी इक्वेशन आएगी उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें, तो कर देते हैं यार, आसान क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं, जिसको मैक्सिमम करना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बताना, पाई आर स्क्वायर एच बाई थ्री। अब आर कौन है, देख लो, आर स्मॉल नहीं लेना आपने, पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिगर में देखो आर क्या ले रखा है, कोन का कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। एच हाइट, हाइट क्या है कोन की, देखो फिगर से, अरे एक्स प्लस स्मॉल आर है, तो हाइट को मैंने क्या लिखा, एक्स प्लस स्मॉल आर बाय थ्री। देख लो ये तो फॉर्मूला होता है किसका, हाइट ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन का। ओके अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने वेरिएबल हैं बच्चों इसमें, तो आप कहोगे ना सर दो वेरिएबल हैं, अब दोनों में किससे किसी एक को हटाना पड़ेगा, है ना, तभी तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो हटाने के लिए फिर से आ जाओ यार, ये छोटे से नन्हे से राइट एंगल ट्रेंगल में आ जाओ, छुटके से राइट एंगल ट्रेंगल में आ जाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, स्मॉल आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बेस, बेस मतलब कैपिटल आर स्क्वायर, क्लियर है। अब यार यहां से अगर मैं कैपिटल आर की वैल्यू निकाल दूं तो क्या आएगी बताना, स्मॉल आर स्क्वायर एक्स यहां जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये होगी इक्वेशन नंबर वन। अब कैपिटल आर की ही वैल्यू क्यों निकाले, देखो ये कैपिटल आर ऑलरेडी आ रखा ना, जो कि वेरिएबल है ना, कैपिटल आर स्क्वायर आराम से हट जाएगा, देखो तो रख देते हैं यहां पे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर की जगह स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बगल पे क्या चल रहा है, एक्स प्लस आर चल ही रहा है, और अपॉन थ्री। अब मुझे बता दो साफ साफ ईमानदारी से कितने वेरिएबल हैं, अरे एक ही वेरिएबल है x, r तो कांस्टेंट है गिवन है ना, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना, तो करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। पाई बाय थ्री कांस्टेंट है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी वन लगाएंगे, हाँ r प्लस एक्स आर माइनस एक्स, और देखो r प्लस एक्स चल ही रहा है यहाँ पे, r प्लस एक्स चल ही रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना, पाई बाय थ्री, देखो आर प्लस एक्स दो है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और अकेला r माइनस एक्स बचा। अब पूरा कंप्लीट हो गया है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको कर दिया है। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dv बाय dx, तो पाई बाय थ्री तो कांस्टेंट है, और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो यार प्रोडक्ट टूल लगा रहा हूँ उसमें मैं, प्रोडक्ट टूल, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, और दोनों फंक्शन कैसे हैं, प्रोडक्ट में आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट टूल कहता है एक फंक्शन को बाहर ले लो, मैंने इसको बाहर ले लिया, कहता है डी बाई डी एक्स कर दो दूसरे वाले का, मतलब आर माइनस एक्स का, फिर कहता है प्लस साइन लगा के आप दूसरे वाले को बाहर करो,
मतलब r माइनस एक्स को बाहर कर दो और कहता है डी बाई डी एक्स कर दो पहले वाले का, मतलब r प्लस एक्स के होल स्क्वायर का, है ना। ये लगा दिया मैंने प्रोडक्ट रूल, तो कर देते हैं अब डिफ्रेंशिएट। तो क्या आएगा बताना है, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, पाई बाई थ्री तो कॉन्स्टेंट है बाहर ही रखे रहो, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। अब यहां डिफ्रेंशिएट करो, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ r, r कॉन्स्टेंट इसका जीरो हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस क्या होता है माइनस वन, तो ये माइनस वन मैंने यहां लिख दिया, माइनस लिख दिया है ना, वन तो लिखो नहीं लिखो बात ही, माइनस लिख दिया ओके। फिर प्लस साइन आर माइनस एक्स बाहर ही है रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ इसको एक्स मान लो, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, तो क्या होता है बताना, इसका फॉर्मूला होता है एन मतलब टू, एक्स मतलब आर प्लस एक्स, एन माइनस वन मतलब टू माइनस वन, और टू माइनस वन तो क्या होता है वन ही होता है। अब चेन रूल से डी बाई डी एक्स करा जाएगा किसका, जिसको एक्स माना था, किसको माना था आर प्लस एक्स को, ठीक है। इसका दोबारा से करेंगे, और मैं दोबारा से यहीं पर ही कर रहा हूं क्योंकि बहुत ईजी है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ आर कॉन्स्टेंट का क्या होता है जीरो, खत्म, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या होता है वन, तो पूरा खिलास हो गया, ये पूरा खिलास हो गया, ये क्लियर है। अब क्या करते हैं बताओ यार, पूरा डिफरेंशिएशन हो गया है, फॉर मैक्सिमम मिनिमम बताओ, डी वी बाई डी एक्स को क्या कर देते हैं जीरो कर देते हैं, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई पूरी जीरो, मतलब क्या जीरो होगा, पाई बाई थ्री ब्रैकेट माइनस आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू को आगे लिख देते हैं टू आर माइनस एक्स और आर प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो, ठीक है। देखो पाई बाय थ्री तो भैया जीरो हो नहीं सकता है क्योंकि ना ये तो कांस्टेंट है यार, है ना, बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी पाई बाय थ्री की, तो ये जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो क्या होगा, ये वाली टर्म जीरो होगी, मतलब ये वाली टर्म जीरो होगी, हाँ ये तो जीरो हो नहीं सकता, या समझ लो, या समझ लो कि यार पाई बाय थ्री जीरो, जीरो के नीचे जाके जीरो हो गया, जैसे मर्जी वैसे समझो। अब देखो ये टर्म हो गई, अब ये नेगेटिव वाली को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड अपने घर में कौन रहेगा टू आर माइनस एक्स आर प्लस एक्स। तो देखो एक आर प्लस एक्स, एक आर प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ये बचा टू आर माइनस का टू एक्स बराबर आर प्लस एक्स, आर को यहाँ शिफ्ट करके माइनस करो तो कितना आएगा खाली आर आ गया, और माइनस टू एक्स यहाँ एक्स से प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा थ्री एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बताओ आर बाय थ्री, समझ में आया, ये एक्स की वैल्यू आ गई क्या आई आर बाय थ्री आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है हाइट ऑफ कोन फोर आर बाय थ्री। अब आ जाते हैं हाइट ऑफ कोन में यार, चलो हाइट ऑफ कोन में आ गए, देखो हाइट ऑफ कोन क्या है, देखो कोन की हाइट क्या है बताओ ईमानदारी से, फिगर से बताओ कोन की हाइट क्या है एक्स प्लस आर है, कोन की हाइट x, x की वैल्यू कितनी निकाली इक्वेशन नंबर टू से r बाय थ्री और प्लस r कर दो तो जरा आ गया, नहीं आ गया एलसीएम ले लो कितना 4r आर अपॉन थ्री, बताओ ये तो प्रूफ करनी थी, देख लो कितनी प्रूफ करनी है 4r आर बाय थ्री तुम्हारे सामने है रिजल्ट। अब एक पार्ट बचा है क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम दिखाना, वो आपको पता है, बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम कैसे दिखाएंगे हम, अरे वॉल्यूम का डबल डिफ्रेंशिएशन क्या कर देंगे नेगेटिव प्रूफ कर देंगे, है ना, वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। तो पहले ढूंढो सिंगल डिफरेंशिएशन कहां तक करा था, यह देखो ये सिंगल डिफरेंशिएशन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके नेगेटिव ले आओ तो मैक्सिमम हो जाएगा, कर दो जल्दी से बच्चों, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पाई बाय थ्री तो कॉन्स्टेंट है, बताओ यहां पर बताना हाँ माइनस तो बाहर ही है, देखो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या बताओ एन एक्स टू माइनस वन, मतलब एन माइनस वन, टू माइनस वन तो वन ही होता है, और चेन रूल से, चेन रूल से आर का जीरो एक्स का वन, खत्म, आर का जीरो कांस्टेंट है एक्स का वन होता है डी बाई डी एक्स, प्लस प्लस अच्छा टू को ऐसे रख रहे हैं, टू को ऐसे पहले यहाँ पे देखना, टू को बाहर रखा और देखो यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या लिखते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, टू को बाहर लिख दिया और इसको लिखते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिखा, और इसी का तो डी बाई डी एक्स करना है, इसी का तो क्या करना है डी बाई डी एक्स, क्योंकि टू का तो हो नहीं सकता, टू बाहर निकाल दिया था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसका जीरो हो गया ना, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स, क्योंकि माइनस साइन तो बाहर ही है ना, क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स, ठीक है। तो चलो यार लो तुम परेशान हो रहे हो, यहाँ कर देता हूँ डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर
मैं एक स्टेप कहाँ बचाने की सोच रहा था, तो मेरे को बचाने नहीं दे रहे। देखो माइनस टू आर प्लस एक्स का हो चुका प्लस टू। अब देखो यहाँ यार आर स्क्वायर का तो कॉन्स्टेंट है जीरो हो गया, इसका कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, ये कह रहा था मैं। समझते नहीं हो बात को तुम। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस और टू टू जा फोर, और एक एक्स तो चल ही रहा था ना, एक्स तो चिपका ही था, तो एक्स ये हो गया। देखो समझ आया। अब यहाँ देखो हो गया खत्म, पाई बाय थ्री ऐसी रखा। अब ये माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस टू आर माइनस टू एक्स और माइनस फोर एक्स, तो माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स कितना हो गया माइनस सिक्स एक्स। उसको लिख दिया मैंने माइनस का सिक्स एक्स। अब खुद ही बताओ यार, ईमानदारी से बताओ, माइनस एन कॉमन ले लूँ पाई बाय थ्री, तो क्या बचा टू आर प्लस का हो गया और सिक्स एक्स भी प्लस का हो गया क्योंकि माइनस एन कॉमन लिया था। और एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी आर बाय थ्री निकाली थी। इक्वेशन नंबर वन या टू से रब हो गई है, इक्वेशन नंबर वन या टू से एक्स की वैल्यू क्या थी आर बाय थ्री थी। हाँ तो देखो एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया आर बाय थ्री। खुद ईमानदारी से बता दो पूरे का पूरा कॉन्स्टेंट आ गया है। अरे देखो यार आप एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हो इसको, कोई बड़ी बात नहीं, लो कर दो इसको एलसीएम लेके क्या आएगा। लो यार तुम्हें तो पूरा ही करने का दिखाना पड़ता है, तुम मानते ही नहीं हो, कैसे बच्चों बताने। देखो कितना सिक्स आर, सिक्स आर में सिक्स आर को प्लस करोगे क्या आएगा ट्वेल्व आर, और बाई क्या चल रहा है थ्री चल रहा है, और कैंसिल कर दो थ्री फोर या ट्वेल्व, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया माइनस फाइव बाई थ्री इंटू फोर आर आया, मतलब फोर पाई आर बाई थ्री आंसर आ गया विद माइनस साइन, फोर पाई आर बाई थ्री माइनस साइन के साथ। देखो पूरे का पूरा कॉन्स्टेंट है, डबल डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट आया अलोंग विद नेगेटिव साइन, तो साफ साफ प्रूव हो गया वॉल्यूम क्या हो गया है मैक्सिमम हो गया, किसका कौन का बच्चों, कब हुआ, कब हुआ बताओ। अरे जहां पे जो किसी एक क्वांटिटी निकालनी होगी ना वहां पे, कब हुआ व्हेन h इक्वल्स टू फोर आर बाय थ्री लिखोगे, है ना, यहां पे छोड़ना नहीं है, आप लिखोगे फाइनल रिजल्ट में कंक्लूजन में, हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h इक्वल्स टू फोर आर बाय थ्री। ये तो प्रूफ करा था ना, ये भी तो करा था प्रूफ, तो यहां पे जब ये प्रूफ करा तो वॉल्यूम तब हुआ हमारा मैक्सिमम, ये मतलब है ठीक है।